दोस्तों जब भी आपको SBI का एक नया ATM कार्ड मिलता है तो उस पर पहली बार ATM पिन कैसे सेट करें इस वीडियो हम देखेंगे। यहाँ पर आप SBI का ATM सेंटर पर जाकर कार्ड इंसर्ट करते हैं तो अगर आपका कार्ड इंटरनेशनल है तो दो ऑप्शन आएगा, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल। यहाँ पर आप डोमेस्टिक सेलेक्ट करें। अगला ऑप्शन है लैंग्वेज सिलेक्शन। आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना चाहिए पिन जनरेशन। इतने पे आपको अपना अकाउंट नंबर देना चाहिए। SBI अकाउंट नंबर देने के बाद जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है SBI से वो भी आप दीजिए। इतने पे उस मोबाइल नंबर पर एक पिन आएगा, ये पिन 24 आवर्स के लिए वैलिड होगा। उसके बाद आपने कार्ड निकाल कर एक और बार इंसर्ट कीजिए। इंसर्ट करने के बाद आप डोमेस्टिक सेलेक्ट करें, उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करें। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद अब आपको सेलेक्ट करना चाहिए बैंकिंग। जी हाँ, यहाँ पर आपको पिन जनरेशन नहीं बैंकिंग सेलेक्ट करना चाहिए। बैंकिंग सेलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना चाहिए पिन जनरेशन। पिन जनरेशन सेलेक्ट करने के बाद कोई भी दो डिजिट का नंबर यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 15 टाइप कीजिए। दो डिजिट टाइप करने के बाद अब आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो पिन आया है वो वर्ड्स पर होगा। ध्यान पर रखिएगा, डिजिट पर नहीं वर्ड्स पर होगा। वो जो पिन यहाँ पर आपको टाइप कर देना चाहिए। उसके बाद ऑप्शन आएगा, नया पिन टाइप करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर अपना खुद का एक नया पिन टाइप करें। उसके बाद री एंटर करने का ऑप्शन आएगा। जो नया पिन है उसे आप री एंटर कर दीजिए। जो SMS पर पिन आया था वो सही है तो आपने जो सेट किया था पिन वो इस कार्ड का नया पिन बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जब भी आपको SBI का एक नया ATM कार्ड आता है तो यही प्रोसीजर यूज करके ATM पिन आप सेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप ऑनलाइन SBI.com पर जाकर भी आपका SBI ATM कार्ड का पिन आप सेट कर सकते हैं।